बता अपना पहले मगनू क्या नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक उपाध्याय रानीखेत उत्तराखंड से। मेरा आज ये न्यू ब्लॉग है, मैं आज से न्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं आपको, मैं ब्लॉग में सारा कुछ दिखाऊंगा, जो जो रानीखेत में फेमस है, जो जो कुछ भी यहाँ पे है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। बहुत मजा आने वाला है मेरे ब्लॉग में आज। आप इस ब्लॉग को आप देखते हुए चलो, और आगे के ब्लॉग काफ़ी अच्छे आपको दिखेंगे। और आज हमारे उत्तराखंड का पावन पर्व हरेला भी है, तो आपको, आप सभी को हरेले की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो गाइज अभी मैं ये क्या कहते हैं आंटी के इधर पार्क में आया हूँ। ये आंटी का रूम यहाँ पे घर है अच्छा, और क्या कहते हैं इनके आगे से काफ़ी अच्छे फूल लगा रखे इन्होंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा इधर पे आप लोगों को दिखा दी जाए वीडियो। काफ़ी अच्छे फूल बना फूल हैं। और ये है रात की रानी, ये दिन में बंद हो जाता है शाम के ये 6 बजे के बाद। ये काफ़ी अच्छा गुलदस्ते साहब के ये खुल जाते हैं सारे, तो ये अभी दिन भर बंद रहेगा, शाम के टाइम पे खुलेगा। ये इसे बोल, इस फूल का नाम है रात की रानी, इसको बोलते हैं रात की रानी बोलते हैं इस फूल को। काफ़ी सारे फूल हैं अभी, ये सारे बंद हो रखे हैं, लेकिन शाम के टाइम पे ये सारे खिल जाएंगे, सारे के सारे खिल जाते हैं शाम को। तो अभी शाम को दिखाऊंगा मैं आपको ये फूल जो अभी बंद हो रखे हैं, शाम को ये पूरे खिले हुए जब होंगे तो आपको दिखाऊँगा। और एक फूल ये है, सारे फूल ही फूल हैं यहाँ पर, हरियाली काफ़ी अच्छी है, सारे फूल खिले हैं। एक फूल एक यहाँ पे ये खिला है, एक फूल ये खिला, बहुत प्यारा सा फूल दिख रहा है। इसका नाम कौन सा गेंदा, गोल्डन गेंदा कुछ ऐसी नाम से बोलते हैं इसको, इस फ्लावर को। और एक भी प्यारा सा पेड़ है यहाँ पे, सारे फूल ही हैं अभी, थोड़ा घास के हिसाब से दिख नहीं पा रहे हैं। ये बांस के पेड़ हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी हरियाली है और मौसम बहुत अच्छा है रानीखेत में। अभी बादल लगे हैं और धूप भी है साथ में, और ये सामने का नज़ारा दिखा नहीं पाऊँगा मैं यहाँ से, यहाँ पे पेड़ लग जाते हैं काफ़ी सारे। ये मैं आपको अभी ऊपर से दिखाऊँगा, सामने को जो अंधेरा सा दिख रहा है धुंधला, उधर को वो दूर लगी है, धुंध हुई है उधर को सारी। हेलो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे कृपाल भाई, कृपाल भाई ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे आम रखे हैं। ये कृपाल भाई ये कह रहे हैं कि लंगड़ा आम है, इसलिए ये ठेले में रखा है। ये लंगड़ा आम ठेले में रहेगा, क्योंकि अगर नीचे चल नहीं पाएगा, देखते हुए जाएगा, तो ये ठेले में रहेगा। और ये है पहाड़ी सेब, पहाड़ी सेब छोटे छोटे आते हैं लेकिन बहुत लजीज होता है, बहुत ही मीठा होता है ये सेब, खट्टा मीठा होता है मतलब उतना मीठा भी नहीं होता है। और ये लीची तो आप देसी है लीची, और एक आम ये है। अब ये भाई साहब कह रहे कि छोटा आम, छोटा आम कहाँ से लाएंगे, इतने बड़े बड़े आम रखे हैं हमारे कृपाल भाई ने, और ये बंदे कहते हैं कि हमको छोटे आम दो, छोटे आम कहाँ से लेंगे भाई, कहाँ से हो तुम? मैं पांडू पांडू फोटी, अभी कहाँ जा रहे हो? पांडू फोटी जा रहे हो अभी? अच्छा, ले 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 ले। अरे तू नाम बता पहले, यहाँ पर तेरा नाम क्या है, नाम बता अपना पहले। मगनू क्या नाम है तेरा, नाम बता, बता नाम तो बता अपना, पहले नाम बता, फिर तेरे को दूंगा ट्रॉफिया भी कुछ दूंगा, अभी लाऊंगा दुकान से लाऊंगा, बता नाम बता अपना। अरे नाम तो बता दे यार, ये नाम नहीं बता रहा है, ये इधर ये बोतल लेके चले गया है, इधर को बोतल लेके चले गया है। और ले सिद्रा सुन। हेलो गाइस, फाइनली मैं ये आंटी जी का जो यहाँ पे पार्क है उसमें जा रहा हूँ, गार्डन में आपको दिखाता हूँ। जो सुबह आम मैंने आपको दिखाए थे ना रात की रानी का फूल, तो अभी सारे खिल चुके हैं, उसको दिखाऊंगा मैं आपको फूल सारे, वो सारे फूल दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखो भाई लोग, ये है रात की रानी, सुबह जो मैंने आपको दिखाए थे ये सारे बंद थे, अभी कुछ बंद हैं इसमें, अभी ये खुल जाएंगे, अभी शाम को सारा खिल जाएगा ये। अभी थोड़ा उजाला है तो उस हिसाब से ये कम खिले हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पूरा यहाँ पे एक डलिया टाइप का बना रखा है पूरा आंटी ने। तो पहले को ये रात की रानी का फूल बहुत अच्छा लग रहा है अभी, अब ये पूरा खिलेगा शाम को। और इधर को भी ये भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ भी खिल चुके हैं ये। और ये फूल तो मैंने आपको सुबह दिखाए हैं, एक फूल ये हुरखाया में प्यारा सा फूल ये है, ये देखिए गाइस, अभी ये फूल जो मैंने आपको सुबह दिखाया था ये थोड़ा छोटा था, लेकिन अभी ये काफ़ी खिल चुका है, बड़ा हो चुका है, तब से प्रोग्रेस में है काफ़ी अच्छा, और अच्छा भी लग रहा है अभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और क्या कहते हैं मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, और क्या कहते हैं सपोर्ट करना अपने दिल से, धन्यवाद।